पति पत्नी घर परिवार कमाल की चीज़ें हैं और वहाँ पर भी हंसी मजाक हो जाता है। अभी आप देखिए, मेरी एक मॉडर्न पड़ोसन है, वो मुझे किस्सा सुना रही थी। क्या बताऊँ मैं, लोग शादी करते हैं, मैंने शादियाँ की, बहुत सारी शादियाँ की। लोग निकाह करते, मैंने निकाह हाहाकार किया। लोग मैरिज करते, मैंने मैनेज किया। क्या हो क्या गया, कितनी शादियाँ की आपने, किस्मत ख़राब। अब तो मैं सोच रही कि मैं स्वयंवर करूँ। क्यों, क्या हुआ? अरे भाई, पहला पति जो मेरा था वो लखपति था। तो अच्छी बात है, लखपति आपको पति मिल गया। नहीं, नसीब पति लखपति, पैसे नहीं थे उसके, लखपति थे। दूसरा पति जो था वो अरबपति था। अरे वाह, क्या बात है, लॉटरी लगी आपकी तो। नहीं, अरब से आया था, भूला पड़ता। वो मेरा पति बन गया, लोग उसको अरबपति बोलने लगे। तीसरा पति जो मेरा था, हाँ, बहुत मोटा आसामी था। अरे वाह, बड़ा मोटा आसामी फांस लिया आपने। नहीं नहीं, आसाम का एक बहुत मोटा था, उससे शादी हो गई मेरी। मैं चाहती हूँ कि मेरा अब जो पति हो, मेरा अब जो पति हो, वो अब जो पति हो। तो उसके लिए क्या सोचा आपने? एक बहुत मालदार बुड्ढे से शादी करने वाली हूँ मैं। बुड्ढे से शादी क्यों करोगी? बुड्ढे से शादी करके क्या फ़ायदा? उसके अंदर दो गुण बहुत अच्छे हैं। क्या? एक तो उसकी इनकम और दूसरे के दिन कम। एक उसकी इनकम, दूसरे उसके दिन कम। ओहो, मैंने कहा ये बुड्ढों का तो जमाना ही आ गया। बच्चन साहब भी आजकल सब तरफ कह रहे पे रहे, बुड्ढा होगा तेरा बाप, बुड्ढा होगा तेरा बाप, बुड्ढा होगा तेरा बाप। एक ने कहा, सर मेरा बाप बुड्ढा नहीं हो सकता। क्यों, क्या नाम है तेरे बाप का? देवानंद। ना वो बुड्ढा था, ना है, ना रहेगा। तो फिर तुम्हारे बाप से मैं मिलना चाहूंगा। घर पे नहीं है। क्यों? सदा बाहर है। यही ऑफर जयाजी को हो रहा है। फिल्म का नाम है बुड्ढी होगी तेरी माँ। जयाजी का, मैं बुड्ढी नहीं हूं, मैं गुड्डी हूं। बोले ठीक है। अभिषेक को बेटा होने वाला है, अमिताभ बच्चन उसके बेटे से भी कहेंगे बुड्ढा होगा तेरा बाप। बेटा भी कहेगा, ये तो हमको पहले से ही मालूम था, व्हाट एन आइडिया सर जी। बूढ़ों का जमाना आ गया, अच्छी बात है। और हमारे सीनियर नौजवान है वो, हंगल साहब, संसार के सबसे बुजुर्ग इंसान। मैं अभी तक कंफ्यूज हूँ कि पहले भगवान आए या पहले वो आए। किसने किसको बनाया, मैं आज तक समझ, भगवान ने उनको बनाया, उन्होंने भगवान को बना दिया, क्या मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि कुछ लोग उम्र दराज होते हैं, इनका उम्र दराज है। सबसे पहले धरती पे हंगल साहब आए और आते ही बोलते, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? भाई सबसे पहले आप अकेले ही आओगे तो सन्नाटा हो गई, सन्नाटा ही होगा। ये पहले आने वाले इंसान थे जिसने आदम और हवा को गलत राह बताई थी, इसका भुगतान आज तक हम लोग कर रहे हैं। हंगल साहब तो एक बार जापान में गए, वहाँ कह रहे इतना सन्नाटा क्यों है भाई? तो एक ने कहा, यहाँ सन भी नाटा होता है, बाप भी नाटा होता है, चाचा भी नाटा होता है, यहाँ सारे के सारे नाटे ही होते हैं, नाटक मत कर। बच्चन साहब ने इतनी फिल्में कर ली, इंसानों ने तो उनके साथ में फिल्म बना ली, इंसानों ने उनको तो एज ए डायरेक्टर उनके साथ में काम कर ही लिया, भगवान भी उनके साथ काम कर रहे हैं। आप देखिए, बुड्ढा होगा तेरा बाप का डायरेक्टर है जगन्नाथपुरी, उल्टा है, पूरी जगन्नाथ है, लेकिन है तो जगन्नाथपुरी है। बच्चन साहब कभी कभी स्टेज पे आते हैं और बाबूजी की कविता बोलने लगते हैं। मैं बाबूजी की कविता पढ़ना चाहूँगा। बाबूजी तो इसे तन मन धन से पढ़ते थे, मैं कोशिश करूँगा। एक कतरा छा भी किसी से मांग मत, कर शपथ अग्निपथ 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 अग्निपथ। पब्लिक में से किसी ने बोला, पब्लिक में से, एंड व्हाट अबाउट द जनपथ? पूछ मत। एक और उनका बड़ी अच्छी कविता, वो बाबूजी के बारे में बोलते हैं, बाबूजी की कविता है, बाबूजी की, अरे बाबूजी की है, आप किसी और की थोड़ी पढ़ोगे। मेले में खोई गुजरिया, जिसे मिले मुझसे मिलाए। अरे मेले में खोई गुजरिया, जिसे मिले मुझसे मिलाए। मेले में खोई गुजरिया, जिसे मिले मुझसे मिलाए। तन है गोरा, मन है भोला,
तन है गोरा मन है भोला, कोई ना इसे बहकाए जिसे मिले मुझसे मिला। ऑडियंस में जब खड़ा हो गया, मेले में कोई गुजरिया तन है गोरा मन है भोला, जिसे मिले तुमसे क्यों मिलाएगा भैया, वो खुद नहीं लेके जाएगा, जिसे मिले तुमसे क्यों मिलाएगा। बच्चन साहब आपके सारी चीज़ों के लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और घर की बात में बता रहा था, एक नौकर की बात बताओ तो शायद मैं कैसे, वो नेपाल से होंगे नौकर साहब, यहाँ आए थे डैनी बनने के लिए, नेपाल से जो भी आता है डैनी बनने आया था, बेचारा बाद में वॉचमैन बन जाता, बात लगे किसी को डैनी हालत हो जाती है, उसकी खराब हो जाती है, हालत खराब हो जाती है। तो डैनी बनने आए थे, अपने मालिक से कह रहे हैं, ओ साहब हमको छुट्टी दो, हम आज मर जाएगा। बोले क्यों, क्या तकलीफ है, क्यों ऐसा चाहते हो? ओ साहब हमको छुट्टी दो, हम आज मर जाएगा, हम पूरा परिवार के साथ आज मर जाएगा। बोले यार ऐसा क्यों सोच रहे हो, क्या तकलीफ क्या है? वो कुछ नहीं है, आप हमको छुट्टी दो, हमारा पोखर पानी दो, हम आज मर जाएगा। हम तो चाहते हैं कि आपका भी उम्र हो गया है, हम सब आज मर जाएगा। क्यों ऐसा क्यों? तो बाद में पता चला कि वो अजमेर जाना चाहता है। ओ साहब हम आज मर जाएगा। दावत जो है बहुत अच्छी चीज़ होती है। मेरे एक दोस्त राजन श्रीवास्तव है, तो उन्होंने मुझे कहा, सुनील भाई दोपहर की मुर्गी हो जाए, दोपहर की मुर्गी हो जाए। मैंने कहा मुर्गी दो पैर की होती है, तीन पैर की नहीं होती है। दावत पे कभी कभी किसी को बुलाना अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग दावत का मतलब नहीं समझते। जैसे मैंने कहा नूर भाईजान ज़रा गरीब खाने में आओ, गरीब खाने में आओ। मैंने अपने घर पे बुलाया उसे खाना खाने के लिए, लेकिन मेरी गलती से मैंने एक थोड़ा तहजीब वाली भाषा में कहा गरीब खाने पे आओ, पट्टा आया ही नहीं। सोचा कि गरीब खाना है, चटनी रोटी ना खिला दे यार। नाम से क्या क्या हो सकता है, नाम हिंदुस्तान में इतने सारे नाम हैं, मैं आपके सामने पेश करता हूँ कुछ नाम। परिचित से मैंने पूछा आपका नाम, मेरा नाम है अब्दाल। अब्दाल तो तब क्या रोटी था या उससे पहले चावल था? अब्दाल है तो फिर इनका नाम, इनका नाम है अब्दुल्ला, तो अब्दुल्ला हो जाओगे। इनका नाम क्या है, इकबाल, वो तो बताने जरूरत नहीं, सर पे एक ही बाल है। एक लड़की से मैंने पूछा, लड़की से पूछा मैंने, मैडम आपका नाम? आचल। क्या आचल? मैं नाम बता रही हूँ, चलने के लिए कह रही हो। एक लड़की का नाम था गंगा, वो गाना गाती थी, तो स्टेज पे जाते हो तो हमेशा लोग उसे कहते थे गंगा स्टेज पे जमना, गंगा जमना। बोले जम जाऊंगी, टेंशन मत ले तू। एक नाम संतोष, संतोष नाम, इतना लालची आदमी है, किसी चीज़ से उसका दिल नहीं भरता और नाम संतोष। मैंने माँ से पूछा उसके कि माता जी संतोष कब हुआ? बेटा जब हमारे सास ससुर मारे गए तब हमें संतोष हुआ। बताओ संतोष कैसे हुआ? एक आदमी ने जिंदगी भर अपनी सिर्फ बर्बादी की है, कोई तरक्की नहीं की, उसका नाम विकास। ये कौन सा विकास है यार? भिखारी भीख मांगते उनका नाम प्रजापति, राजा, महाराजा, साहेब आलम। भीख मांग रहे हो, ये क्या कर रहे हो, अजीब गरीब नाम। अच्छा कुछ लड़कियों के नाम होते हैं जिसमें बड़ा मुझे काफी ऑब्जेक्शन है। एक लड़की का नाम था संचिता, भाई तुम लड़की हो तो डॉटर चीता होना चाहिए। हेमा सरदेसाई, आप महिला है, हेमा मैडम देसाई हो सकता है, सरदेसाई कैसे हो सकता है? बहुत सारे नाम ऐसे होते हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं। एक ऑफिस में तो मैं कंफ्यूज हो गया, बॉस और चपरासी का नाम ऐसा था, बॉस का नाम था सेवक राम और चपरासी का साहेब लाल। आफ्टर रेडी, एक रेडी फिल्म आई, सुपर हिट हो गई, शाइनी आहूजा भी एक फिल्म बना रहे हैं, फिल्म का नाम है रेडीमेड। मेड ने शाइनी को फंसाया, समझ में नहीं आ रहा शाइनी कौन थी, वो शाइनी थी ये शाइना थी। अब ये देखो ये भी कंफ्यूज नाम है, लड़की का नाम शाइना और लड़के का नाम शाइनी। किसको शाइनिंग दिखा रहे हो यार, क्या नाम रखते हो? एक लड़की का नाम था सना, वो शायरा थी, उसने शायरी सुनाई, पीछे जो बुजुर्ग शायर होते फ्रस्ट्रेटेड शायर, वो वाह वाह ऐसा दे रहे जैसे उसके ऊपर नज़र गलत उनकी हो। सना ने एक शेर सुना दिया, पीछे से लोग कह रहे वाह सना वाह सना।
सीरियल, सीरियल के नाम, अब सीरियल का नाम देखिए, सीरियल के नाम, एक सीरियल आ गया बड़े अच्छे लगते हैं मैंने गरीब से पूछा भाई ये सीरियल देखते हैं आप? भाई साहब हम तो गरीब हैं, हमें बड़े अच्छे नहीं लगते, हमें बड़े अच्छे लगते हैं, कहीं से हो तो मंगवा दो, चक्कर आ रहा है हमको। एक सीरियल का नाम है उतरन, वो ऐसा लगता है जैसे किसी को लात मार के बोल रहे हैं उठ रन। उसमें वो जो कैरेक्टर है इच्छा और तपस्या, उन्होंने साबित कर दिया कि आदमी की इच्छा अच्छी हो तो तपस्या करने की जरूरत नहीं पड़ती, और तपस्या कर तो हर इच्छा पूरी होती है। इच्छा को उसकी नानी बार बार चूहिया चूहिया कहती है, चूहिया ये चूहिया है राम ही राखे चूहिया है, तो जिस तरह से उसे चूहिया कहते हैं सीरियल का नाम उतरन नहीं कुतरन होना चाहिए, कुतरन। तो बहुत सारे सीरियल है जो सी रियल तो नहीं है, क्योंकि एक सीरियल आता है मेरी बीवी कहती है मुझे वो सीरियल देखना है ससुराल सीमर का, मैंने कहा मत देखो, नो सीमर सीमर, सीमर सीमर। अब एक सीरियल आया है रतन का रिश्ता, तो हमारे रतन वाला सोचते कि हमारा सीरियल है रतन का रिश्ता, मैंने कहा रतन का रिश्ता लड़की है वो, रतन वो अनमोल रतन है, आप बेमोल रतन है, हम टेलीविजन के लोग आपस में इतना प्यार से रहते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई जात धर्म नहीं, हम टीवी वालों का एक ही कास्ट है टेलीकास्ट।